नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर के बारे में। असल में रिक्वेस्ट मुझे आई एक सब्सक्राइबर के थ्रू कि सर चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम स्ट्रीक के ऊपर किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि इंडिकेटर आखिर में दिखता कैसा है, उसके बाद स्ट्रीक के ऊपर हम इसको बना के देखेंगे कि किस तरह से आप इसके ऊपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे मैं इसमें और कोई इंडिकेटर ऐड करने वाला नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर आपका इसके अंदर यूज होगा। तो देखिए, पहले मैं दिखाता हूं आपको, ये एसबीआई का चार्ट है और नीचे आप देखेंगे चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी, बीच में जीरो होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर लेके जाऊं, यहाँ देखिए बीच में आपको जीरो दिखेगा, ऊपर की तरफ 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 0.40, 0.60, मतलब पॉइंट्स के अंदर आपकी यहाँ पे वैल्यू जाती है। और नीचे भी आपकी वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप जितना इसको जाएंगे ये देखिए यहाँ पे 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, इस तरह से आपकी वैल्यूज ये चलती हैं। तो इस इंडिकेटर को यूज करके किस तरह से आप इसके अंदर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीक के ऊपर। तो इसके लिए मैं चलता हूं पहले स्ट्रीक के ऊपर। स्ट्रीक के ऊपर देखिए, सिंपली आप जाएंगे स्ट्रेटजी के ऊपर और एड स्ट्रेटजी मतलब क्रिएट स्ट्रेटजी का बटन क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए अपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे ऐड सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं एम्फेसिस, इसके हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं टीसीएस, इसके बाद ऐड कर लेते हैं परसिस्टेंट, उसके बाद ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर एशियन पेंट्स, और एक स्टॉक और ऐड करते हैं इसके अंदर हम टाइटन, सॉरी इसको करते हैं डन। तो यहाँ पे देखेंगे आपके आपके 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे थोड़ी सी आप, तो यहाँ से आप पूछेगा चार्ट टाइप, आपको कैंडलस्टिक लेना है या हैकिनेश लेना है। यहाँ पे सिंपल कैंडलस्टिक चाहे तो आप सिंपल कैंडलस्टिक ले सकते हैं, अगर आप हैकिनेश लेना चाहे तो हैकिनेश ले सकते हैं। हैकिनेश और चार्ट टाइप मतलब सिंगल चार्ट टाइप में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। यह सिंगल सिंपल जो चार्ट टाइप होता है आपको इस तरह का दिखता है, वहीं अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे हैकिनेश कर देते हैं तो ये चार्ट आपको जो कैंडल्स है वो इस तरह की दिखती है। ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हैकिनेश और सिंपल कैंडल में आके डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए अभी के लिए हम सिंपल कैंडलस्टिक से यहाँ पे लेके चलते हैं। टाइम फ्रेम हम यहाँ पे रखेंगे 15 मिनट्स का और यहाँ पे हम काम करेंगे सीएनसी एनआरएमएल, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे अपनी पोजीशंस। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमें बेसिकली तो यहाँ पे परसेंटेज ही देखनी है, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे मैक्स एलोकेशन कर सकते हैं कैपिटल वेस्ट का कि हर एक स्टॉक के ऊपर आपको 50,000 का एलोकेशन करना है। तो हर एक स्टॉक जैसे कि आपके 5 स्टॉक हैं, हर स्टॉक में 50,000 का एलोकेशन इसमें हो जाएगा, उसके हिसाब से आपके फैक्टर्स यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद देखिए आपकी होगी एंट्री कंडीशन। अब चाइकिन मनी फ्लो की एंट्री कंडीशन आप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप सिंपल सा इंडिकेटर यहाँ पे देखिए, ना आपकी कैंडल यूज होगी ना कुछ भी यूज होगा, सिंपल आपका चाइकिन मनी फ्लो इंडेक्स यूज होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे चाइकिन, देखिए सबसे पहले आएगा चाइकिन मनी फ्लो, यहाँ पे 20 का पीरियड रखेंगे, इसे डन करेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्रॉसेस अबव करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नंबर, नंबर क्या रखेंगे हम 0। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंट्री कंडीशन क्या होगी कि जब ये 0 के ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें एंट्री लेनी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, रुकिए यहाँ पे डिस्प्ले में सिंपल कैंडल करता हूं मैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो 0 से ऊपर गया जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ रहा है, इसको आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे हम सिंपल सा बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ चाइकिन मनी फ्लो के साथ। यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा आई थिंक सो। तो ये कंडीशन हमारी एंट्री की बन गई सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और हम जाएंगे एग्जिट कंडीशन के ऊपर। तो एग्जिट कंडीशन में देखिए स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 2.5 क्योंकि हम सीएनसी पोजीशन पे जा रहे हैं और टारगेट हम डाल देते हैं 8% का। और इसके बाद हम इसे कर देते हैं यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन की, एग्जिट किस तरह से होना चाहिए। तो एग्जिट कंडीशन देखिए यहाँ पे कई तरीके से बन सकती है। पहले एग्जिट कंडीशन बनेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के साथ जाएं। दूसरी एग्जिट कंडीशन है कि आप चाइकिन मनी फ्लो के साथ एग्जिट करना चाहते हैं। तो चाइकिन मनी फ्लो के साथ एग्जिट करने के भी दो तरीके हैं, एक तो है कि क्रॉसेस अबव 0 किया तो आपने एंट्री लेनी है और क्रॉसेस बिलो 0 करें तो आपको एग्जिट लेना है। दूसरा तरीका है कि क्रॉसेस अबव 0 करें तो आपने एंट्री तो ले ली लेकिन एग्जिट आप लेंगे क्रॉसेस बिलो 0.4 या फिर 0.3। तो ये भी एक तरीका है, दोनों तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको दिखा देता हूं। तो पहला हम यहाँ पे तरीका करेंगे चाइकिन मनी फ्लो, 20 का पीरियड, यहाँ पे हम डालेंगे क्रॉसेस बिलो और यहाँ पे डालेंगे हम
नंबर और यहां पे डालेंगे 0.40 और यहां पे करेंगे डन और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट और इसके बाद मैं आपको बना इसको एडिट करके दिखाऊंगा और यहां पे 0 डालूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रिव्यू करने के लिए है कि आपको बाय के लिए जाना है, चार्ट टाइप ये रहेगा आपका, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, सीएनसी नॉर्मल रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं करना है। और यहाँ पे हम इसके करेंगे बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखते हैं पांचों के पांचों स्टॉक्स आपके बैक टेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर की टीसीएस के अंदर आपको लॉस दिखा है, बाकी लगभग हर एक स्क्रिप्ट ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे कुमुलेटिव रिजल्ट देखेंगे तो आपको 9% का प्रॉफिट है पिछले 3 महीनों में, आई थिंक ये आपका 11 अक्टूबर से लेके 8 जनवरी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आपको 9% के रिटर्न यहाँ पे मिले हैं डिलीवरी बेसिस के ऊपर। अब इसी को अगर हम ब्रोकरेज ऑन कर देते हैं तो ये बचते हैं आपके 6%। यहाँ पे आप ब्रोकरेज टॉगल है पूरा का पूरा कुमुलेटिव आप देख सकते हैं, तो 6% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये तो बात होगी एक कंडीशन की, अब एक हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हम चलेंगे सीधे एग्जिट कंडीशन पे। एग्जिट कंडीशन के अंदर हम इसे करेंगे 0 और डन और इसे हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट करके 7 बैक टेस्ट कि इस कंडीशन को ट्रेड करके हमारे पास क्या बैक रिजल्ट आते हैं। पहले कंडीशन में हमने क्या किया था कि 0 के ऊपर क्रॉस करने के बाद हमारा 0.4 के नीचे जब क्रॉस करा तो हमने एग्जिट किया था, और हमने किया है कि 0 के ऊपर क्रॉस किया तो 0 के नीचे ही क्रॉस करने पर हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इसके रिजल्ट हम देख लेते हैं, उसके रिजल्ट हमारे लगभग 9% थे अगर आप कहेंगे पॉजिटिव के अंदर। ओके यहाँ पे देखेंगे आप तो -0.66 अगर ब्रोकरेज यूज करें हम तो -17% आपका रिटर्न यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब कि हमारी जो पहले वाली स्ट्रेटजी थी जो कि हमने 0 के ऊपर एंट्री ली थी और 0.4 के ऊपर हमने यहाँ पे एग्जिट किया था, वही स्ट्रेटजी हमारी सही है। तो एग्जिट कंडीशन को हम दोबारा से यहाँ पे चेंज कर देंगे और इसे हम 0.4 करेंगे और इसे डन कर देंगे और नेक्स्ट करके 7 बैक टेस्ट। तो इस तरह से आप भी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट करके यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज करके देख सकते हैं, इसको सीएनसी से एनआरएमएल में करके देख सकते हैं, इसको 15 मिनट से 1 डे के अंदर करके देख सकते हैं, काफी चेंजमेंट करके हो सकता है कि आप इससे बेटर स्ट्रेटजी बना सके। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर के साथ स्ट्रेटजी आप किस तरह से बना सकते हैं स्ट्रिक पे सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप चाहे इसके अंदर कुछ भी और इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बैकटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। चाहे तो कुछ और इंडिकेटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे अगर मनी फ्लो की जगह और कोई इंडिकेटर से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये इस्लामिक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो उनके रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैंने चाइकिन को यूज करके किस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं वो वीडियो में मैंने दिखाया है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं फाइंड अप, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।